जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक और वैकेंसी निकल कर आया है, पर्यवेक्षकों के लिए रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक के यानी कि सुपरवाइजर के 200 पदों पर भर्ती की जानी है। रिक्त 200 पदों की भर्ती के लिए चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के आयोजन की संभावित तिथि दिया गया 23/1/2022 दिन रविवार। 23/1/2022 मतलब 23 जनवरी 2022 को परीक्षा की तिथि होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 3/12/2021 यानी कि 3 दिसंबर 2021 को। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/12/2021 यानी कि 30 दिसंबर 2021 को दिया गया है। पद का नाम है पर्यवेक्षक तृतीय श्रेणी यानी कि कार्यपालिका केवल महिलाओं के लिए। वेतनमान दिया गया 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक। ग्रेड पे वेतन दिए गए 2,400 रुपये। मैट्रिक वेतन लेवल दिए गए 6। रिक्त पदों का विवरण का नाम दिया गया है। पद का नाम दिया गया है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्यवेक्षक के लिए 5,200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे वेतन 2,400 रुपये दिया गया है, ठीक है। परिसीमित सीधी भर्ती के लिए पद का नाम वेतनमान भी दिया गया है। तो कितना पद दिया गया ये सब देखते हैं। तो अनारक्षित के लिए 42 पद दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, अनुसूचित जाति के लिए 12, अन्य पिछले वर्ग के लिए 14, योग है 100 पोस्ट। खुली सीधी भर्ती के लिए देख चुके हैं, अब परिसीमित सीधी भर्ती के लिए देखते हैं। अनारक्षित के लिए दिया गया 41 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 31, अनुसूचित जाति के लिए 11, अन्य पिछले वर्ग के 14, योग है 97 पोस्ट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।